अच्छा थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे क्या? कोशिश तो मैं रोज ही करता हूं। क्या प्रदीप, तू रोज भाग भाग के ट्रेन क्यों पकड़ता है? क्या भाऊ, एक बात थोड़ी ना है, बच्ची छोटी है, पानी 5 बजे सुबह सुबह आता है, और भाई को उसको भी तो मदद करनी पड़ती है ना। ऊपर से बॉस ने भी जान खा रखी है, एक लेट मार्क लग गया ना ऑफिस में, अब तक 4 हो गई है, अगर 5वां लग गया ना तो सीधा 1000 रुपए काट लेंगे। सोच रहा हूँ महाराष्ट्र से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। अच्छा विरार चलना, वहां से अच्छा रहेगा। अशोक, तुम्हें सर अपने कैबिन में बुला रहे हैं। अशोक, कम इन। अशोक, वो संगम एंटरप्राइज की फाइल पूरी हो गई? हो गई है सर। और वो मिश्रा जी का पेमेंट होना था आज? आज हो जाएगा सर। ओके अशोक, तुम्हारे जितने भी पेमेंट्स हैं उनका डिटेल मुझे विद इन 1 वीक सबमिट कर देना। ओके सर। क्योंकि जल्द ही तुम्हारा ट्रांसफर होने वाला है। ट्रांसफर? ठीक है सर। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं, गलती नहीं हुई है। कंपनी की एक न्यू पॉलिसी है जिसमें हम कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को उनके घर के पास की ब्रांच में रीलोकेट कर रहे हैं। दैट्स इट। वसई ब्रांच तो तुम्हारे घर के पास में है ना? आई थिंक तुम विरार से आते हो, राइट? यस सर। पर सर, पोजीशन और सैलरी वो सब तो सेम रहेगा ना अशोक? डोंट वरी, गुड लक। थैंक यू सर। Thank you.
सुन रे जिंदगी तूने खुद में कितने रंग भरे, सुन रे जिंदगी तूने खुद में कितने रंग भरे, कुछ है दिखते आँखों को कुछ बातों में छिपे, खिलती है कभी सुबह सूरज में खुशियों की धूप लेकर, नए सपनों के साथ चल के हंसती है सफर नया देकर। समझना बोली भाषा प्यार के रंग हैं गहरे, कुछ ये रात दिन हवा में उड़ते कुछ जमीन में घुले, सुन रे जिंदगी तूने। हाय हाय अशोक। यस वेलकम टू द वसी ब्रांच। आपका कैबिन ऊपर रेडी हो रहा है, तब तक आप यहाँ बैठकर वेट कीजिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। वेलकम। प्रदीप का क्या चल रहा होगा, उसे सरप्राइज देता हूँ। हाँ प्रदीप। नहीं नहीं मैं श्रुति, दरअसल इनका आज सुबह ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये कोमा में जा चुके हैं। मैंने ना इनको जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, पर अब मुझे ना काम के लिए निकलना है। आप इनको जानते हैं ना, आप इनके घर वालों को खबर कर दीजिए, हम अभी गोरेगांव GTP हॉस्पिटल ICU फिफ्थ फ्लोर में है। हेलो आप सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो हेलो हेलो, हेलो?